स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप ये मत सोचिए कि एक महीने में क्या होगा, एक साल में क्या होगा, आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। पढ़िए ऐसा कि डेढ़ से दो साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमारे गांव का लड़का। जब आपकी आपकी सफलता बहुत छोटी रहेगी केवल आपका परिवार खुश होगा, लेकिन जब सफलता बहुत बड़ी होगी पूरा क्षेत्र खुश होगा, ऐसा कीजिए कि पूरा देश खुश। हमारा एक दोस्त था, उसकी दुकान थी, उसमें फोटोकॉपी वगैरह होता था और वो ट्रेन के ट्रैक के किनारे थी, वहां उसी में बोर्ड वगैरह ठोक दिया। हमारा घर नहीं था वो स्टूडियो लगाने लायक, मतलब उस लायक भी नहीं था कि हम उसमें पढ़ा सके, तब उसी की दुकान पे उसको लगा दिया और उसी में मार्कर लेके पढ़ाते रहते थे। अब जब पढ़ाते थे दो मिनट पढ़ाए फ्लो फ्लो बने कि कोई ट्रेन आ जाती थी हॉर्न मारते हुए और हमसे ज्यादा उसी की आवाज आ जाती थी। लड़के कहते थे यार ये सर कुछ तो सुधारो यहाँ पे। और कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबके बकरियों पाले हैं क्या, यहाँ से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये लो लो एक रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ एक रुपए दिया करती थी।